सब वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के काइनेमेटिक चैप्टर के, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके बारे में बहुत कुछ देखा है कि स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या होती है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके लिए कुछ नया होने वाला है और नया पेपर में पक्का आता है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी। यस, रिलेटिव वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना और जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से कर दीजिए। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें भी है और साथ ही साथ आपको एक बार के लिए कंफ्यूज भी करेगा, बट आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। सबसे पहले हम लोग सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है। लाइक सपोज कीजिए, मेरे पास एक कार है और एक कार है आपके पास, ठीक है। अब क्या है, चलो आपकी और मेरी बात नहीं करते हैं, अभी हम लोग क्या कहते हैं, लाइक यहाँ पे दोनों कार प्लेस की हुई है, ठीक है, सबको विजिबल होगा ना, दोनों क्लास दोनों तरफ हमने एक कार रख दी। अब क्या हुआ, इस जो हमारी येलो कार है उसमें बैठा एक बॉय और हमारी ब्लैक कार में बैठी एक गर्ल। तो क्या हुआ, गर्ल मूव करना स्टार्ट हुई और गर्ल जो है, बॉय वहीं पर ही है अभी, और गर्ल मूव करके एक वेलोसिटी के साथ, मान लिया गर्ल की वेलोसिटी मेरे पास है 10 या 5 कुछ भी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले एक मान लिया हमने, एक यहाँ पे बॉय है, एक यहाँ पे गर्ल की कार, ठीक है, दोनों अभी रेस्ट में है। अब जो गर्ल की कार है वो मूव करने लग गई विद 5 मीटर पर सेकेंड, या फिर थोड़ी बड़ी ले लो, कहोगे इतनी छोटी स्पीड से कैसे, 10 मीटर पर सेकेंड से गर्ल की जो कार थी वो मूव करने लग गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब बॉय से किसी ने पूछा कि जो गर्ल कार में थी वो तो तेरी फ्रेंड थी, उसकी वेलोसिटी क्या थी विद रिस्पेक्ट टू यू, आपके विद रिस्पेक्ट, मतलब बॉय उस टाइम पे ऑब्जर्वर था, ठीक है, बॉय ऑब्जर्व कर रहा था, जो ऑब्जर्व करेगा उसको क्या बोल देंगे, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर ने देखा कि ये जो है वो मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये किसकी वेलोसिटी बताई हमने, गर्ल की, किसके विद रिस्पेक्ट बताई, विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बॉय की बताई, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी क्योंकि अर्थ भी खुद मूव कर रही है और आपकी कार भी खुद मूव, कार भी मूव कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं अर्थ बात करूंगी तो कुछ और होगी, बट विद रिस्पेक्ट टू, रिलेटिव का मतलब होता है, रिलेटिव क्या होते हैं, जो आपके रिश्तेदार है, मतलब आपका उनके साथ कोई ना कोई रिलेशन है। तो इस गर्ल का वेलोसिटी की, इस गर्ल की कार की वेलोसिटी का हम बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बॉय, बॉय के विद रिस्पेक्ट। जब भी एक बात आ जाए विद रिस्पेक्ट, तब मतलब क्या होता है कि एक रेफरेंस पॉइंट है, मतलब एक फिक्स पॉइंट है, बॉय मेरा फिक्स था, बॉय के विद रिस्पेक्ट ए की वेलोसिटी कितनी थी, उसी चीज को हम क्या नाम देते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। एक की वेलोसिटी मतलब अभी तुम लोगों ने क्या किया, गर्ल की वेलोसिटी के बारे में बात की, वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू बॉय, तो उसको कैसे लिखा हमने, वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू बॉय कितनी आपके पास, 10 मीटर पर सेकेंड। एक कंडीशन तो ये आ गई हमारे पास, मतलब हमने क्या किया, किसी के विद रिस्पेक्ट वो उस ऑब्जर्वर ने बताया कि इसकी गर्ल के कार की वेलोसिटी इतनी है। अब क्या हुआ दूसरा केस में, दूसरे केस में जैसे ही हमारे पास गर्ल आगे गई तो बॉय को हुआ, अच्छा वो गाड़ी चलाकर चली गई, मुझे भी फॉलो करना चाहिए, तो गर्ल की कार मूव कर रही है साथ ही साथ बॉय की कार भी मूव करने लग गई, मतलब दोनों किस में आ गए, मोशन में आ गए। पर अभी क्या है, गर्ल ने तो अपना पूरा फोकस लगा दिया कार चलाने में, ठीक है, और बॉय क्या कर रहा है, गाने चला रखे हैं उसने अपने फुल म्यूजिक में, उसकी गाड़ी में क्या है, फुल म्यूजिक चल रहा है और वो चला रहा है। तो क्या हो रहा है हमारे पास,
ये गर्ल जो है वो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, बॉय जो है वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो अब जो गर्ल की वेलोसिटी होगी, अब बॉय से पूछा, बॉय के साथ एक बॉय का फ्रेंड बैठा है कि ओए उस लड़की की वेलोसिटी, उस लड़की की कार की वेलोसिटी कितनी है। तो अब जो उसने बताई वो क्या बताई कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। गर्ल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी अब क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि क्या किया, वीजी माइनस वीबी कर दिया। वीजी कितना था 10, वीबी कितना था 5, तो आंसर कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये फॉर्मूला हम देखेंगे कहां से आया, बट अभी हमने सिर्फ टॉपिक को पकड़ना है कि टॉपिक क्या है, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर अगर हम बात करेंगे तो दैट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। सिंपल एंड सॉफ्ट लैंग्वेज में हमने सीखना है रिलेटिव वेलोसिटी किसी भी ऑब्जर्वर की, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, वन विद रिस्पेक्ट टू टू। एक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड हम लोग क्या कह देते हैं, वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। इतना कंसेप्ट क्लियर अगर किसी का कि मेरे को वेलोसिटी किसी के विद रिस्पेक्ट बतानी है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं कि वेलोसिटी है वो, और वो कौन सी रिलेटिव वेलोसिटी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसका मैथमेटिकल पार्ट क्या है रिलेटिव वेलोसिटी का, मतलब किस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी को एक्चुअल में समझ सकते हैं कि एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। हमारे मेनली इसके क्या आएंगे, आपके पास न्यूमेरिकल्स या आपके पास पूछेंगे कि क्या होता है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, अब हम वो कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं, मतलब मैथमेटिकली इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना। तो क्या कहा हमने, वही कंसीडर कर लेते हैं हमारी गर्ल बॉय वाली कंडीशन, लाइक ये हमारे पास कोई भी पाथ है, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहली बार यहां से हमने माना, यहां से ये दोनों पहले इस पोजीशन पे थे जब बात स्टार्ट हो रही थी। अब क्या हुआ, गर्ल की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, वीजी मान लो इसको, वीजी मीटर पर सेकेंड से गर्ल जो है वो आगे जा रही थी, और बॉय क्या हो रहा था, वीबी, वीबी मान लिया इसको हमने, बॉय की वेलोसिटी क्या थी आपके पास, वीबी थी। हमें क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब गर्ल की विद रिस्पेक्ट टू बी क्या रिलेटिव वेलोसिटी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जनरल बात करते हैं हम लोग। जनरल बात का मतलब क्या है, माना हमने कि यहां से हमारे पास जो बॉय की वेलोसिटी थी, बॉय का डिस्टेंस था वो कितना था, एक्स नॉट, ठीक है। बॉय का यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स नॉट था, गर्ल का भी एक्स नॉट था। अब बॉय जो है वो वी वन ले लो, जिससे आपको इजी हो जाए, वी वन वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कि टाइम टी रहेगा, क्योंकि टाइम तो भाई किसी पे डिपेंड नहीं करता है। 5 मिनट के बाद बात की भाई, 5 मिनट के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, तो दोनों के लिए टाइम तो क्या रहेगा, 5 मिनट ही रहेगा, टाइम रिमेन सेम। तो गर्ल की टाइम भी क्या हो गया, टी हो गया, गर्ल का टाइम भी टी हो गया, बॉय का टाइम भी टी हो गया, क्योंकि हम टी मीटर पर टी सेकंड के बाद ही बात कर रहे हैं। बॉय की वेलोसिटी वी वन है, गर्ल की वेलोसिटी वी टू है, ठीक है। अब हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस किसने कितना कवर किया। मान लिया इसका डिस्टेंस कितना है, एक्स वन, बॉय का एक्स वन और गर्ल का एक्स टू, ठीक है। सबसे पहले इस सिनेरियो को समझिए, हमने यहां से हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, कुछ टाइम बाद टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी वी वन हो गई, ये बी पर आ गया, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो वी टू है, उस टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी वी टू थी, तो वो एक्स टू डिस्टेंस पे आ गया। अब मुझे निकालना है ये पूरा और ये पूरा कितना है। सबसे पहले मैं निकालती हूँ x1 कितना है, x1 डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस तो है ही है ना, ये वाला डिस्टेंस तो दोनों ने कवर किया ही है, तो ये तो हमारे पास है ही है x0। प्लस में क्या हुआ है, यहां पे इतना डिस्टेंस भी ट्रेवल किया उसने, वो डिस्टेंस मुझे नहीं पता है, तो उसके लिए मुझे पता क्या है, स्पीड पता है और टाइम पता है। डिस्टेंस का स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू में टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू में टाइम, ऐसा लिख लो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमने इससे डिनोट किया था। स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया स्पीड इंटू टाइम। पहले वाले के लिए स्पीड कितनी है, वी वन, टाइम कितना है, टी, फर्स्ट कंडीशन आ गई, ठीक है। सेकेंड वाले के लिए एक्स
टू निकालो, एक्स टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स नोट तो चला ही चला है। अब उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी टू पी। मुझे चाहिए वेलोसिटीज, तो मैं क्या कह दूंगी, सब्ट्रैक्टिंग वन एंड टू। ये हमारे पास मैथमेटिकली काम करना है, बस अपने हमने सब्ट्रैक्टिंग वन एंड टू, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस में एक्स नोट माइनस एक्स नोट प्लस वी टू टी माइनस वी वन टी। ये तो कैंसिल हो गया आपका, एक्स टू माइनस एक्स वन, वी टू माइनस वी वन, टी कॉमन आ गया, टी यहां से नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास किसका आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलेगी, एक्स टू माइनस एक्स वन बाय टी, या फिर कैसे निकलेगी, वी टू माइनस वी वन। वी टू में से वी वन को अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास वो क्या आ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी वो आपके पास, रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू बॉय, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वी टू माइनस वी वन हो गया। तो इस तरह से आपका रिलेटिव वेलोसिटी का पूरा कंसेप्ट है कि रिलेटिव वेलोसिटी को मैथमेटिकली हमने किस तरह से निकालना है। निकाल लेंगे आप सब लोग। अब रिलेटिव वेलोसिटी को मैथमेटिकली निकालने के लिए जस्ट हमने क्या किया, हमने एक x1 निकाला, x2 निकाला एंड देन माइनस कर दिया। मेन हमारे पास कहानी आ गई कि रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास, जो आपने अच्छे से याद रखना है, मेन थिंग जो कहते हैं हम लोगों को वो याद रखनी है, वो आपको क्या रखनी है, अगर आपके पास है वी ए बी या फिर है वी वन टू, कुछ भी ऐसा कुछ है, तो उसके लिए आपने क्या कर देना है, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वन, या फिर वन की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू टू, तो क्या हो जाएगी, वी वन माइनस वी टू, वन की वेलोसिटी माइनस में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ टू। तो यहां से आपके पास क्या आ जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला नोट डाउन करना है, ठीक है। सबसे पहले काम यही होता है, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब लिखेंगे कैसे, तो रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, अभी हमने देखा था ना, रेशियो है किसका, रेशियो ऑफ चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कौन सी पोजिशन, रिलेटिव पोजिशन। रिलेटिव पोजीशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। इतना कंसेप्ट उठा लिया सबने, दिस इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। अब जब हमने देखा ये माइनस हो रहा है, ऐसा कुछ आ गया, तो इसके बेसिस में तीन केस बन जाते हैं हमारे पास। लाइक पहला केस क्या आता है हमारे पास, अगर वी वन और वी टू सेम है तो क्या होगा, ठीक है। एक बार केस क्या हो सकता है, अभी हम एक का केस पढ़ लेते हैं, वी वन टू का, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि दो केसेस हैं। वी वन टू के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब वन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टू, तो एक केस तो क्या हो सकता है, वी वन वी टू के इक्वल है। एक केस क्या हो सकता है, वी वन इज ग्रेटर देन वी टू है, और एक केस क्या हो सकता है, वी वन इज लेस देन वी टू है। तीनों केसेस में हमारे पास वेलोसिटी जो है वो चेंज हो सकती है। तो अगर मैंने माना वी वन जो है वो वी टू के इक्वल है, मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला से देखा, एक ऑब्जेक्ट है ए, ए की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड, तो और दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वी ए बी क्या हो जाएगा आपके पास, 10 माइनस 10 मतलब 0, रिलेटिव वेलोसिटी बिकम 0। मतलब अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है वेलोसिटी से लाइक ये, तो दूसरा भी सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दोनों की वेलोसिटीज में चेंज ही नहीं आ रहा। जब चेंज नहीं आ रहा तो दोनों का ग्राफ कैसा बन जाता है, पैरेलल ग्राफ बन जाता है। अगले केस में क्या आया, वी वन इज ग्रेटर देन वी टू। अब क्या है, पहले वाले की वेलोसिटी जो है वो दूसरे वाले की वेलोसिटी से ज्यादा है, तो क्या हुआ हमारे पास, दूसरे वाला भी मूव कर रहा है इस तरह, पहले वाला भी मूव कर रहा, बट पहले वाले की वेलोसिटी ज्यादा हो गई, तो वो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। अगले केस में आया, वी वन जो है वो वी टू से छोटा है,
तो जब आपके पास छोटा होगा तो क्या हो गया हमारे पास, लाइक मेरा ये v1 है, ये v2 है, तो दोनों एक दूसरे से छोटे हो गए तो वो आपस में क्या कर जाएंगे, कट कर जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ग्राफ में क्या आ जाएगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी के हमारे तीन ग्राफ मिल जाते हैं। जब v1 v2 के इक्वल होगा तब क्या होता है, जब ग्रेटर होगा और जब हमारे पास स्मॉलर होगा। तो इस तरह से हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का मेन जो कंसेप्ट था वो हमें क्या पता चला कि v की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, v12 की v1 minus v2, और इसी तरह से हमारे पास क्या जाते हैं, ग्राफ आ जाते हैं। लाइक यही रूल हमारे पास ट्रेन में भी चलता है। लाइक मेरे पास एक ट्रेन है, मतलब मेरे पास तो नहीं है सॉरी, एक ट्रेन है वो मूव कर रही है, ठीक है। अब आप कहोगे आपके पास गाड़ी थी तब तक तो समझ आता था, आप ट्रेन भी रखने लग गए, ऐसा नहीं है, ट्रेन नहीं है मेरे पास। तो अभी क्या था, मेरे पास आपके पास एक क्वेश्चन में एक ट्रेन है, ये हमारे पास ट्रेन ए है, ठीक है। ट्रेन ए जो है वो मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ट्रेन ए मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 30 meter per second, ठीक है। दूसरी एक ट्रेन है बी नाम की, ये मूव कर रही है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, विद वेलोसिटी 40 meter per second। अब मुझे क्वेश्चन कैसे बोला, फर्स्ट क्वेश्चन बोला मुझे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की वेलोसिटी निकाल रही है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हमने कैसे निकाल दी, VBA क्या होता है, VB minus VA, VBA क्या होता है, VB minus VA। तो VB हमारे पास, अब एक चीज और पकड़नी है आपने, हमने भाई बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में एक चीज देखी थी, फिजिक्स में अगर नेगेटिव डायरेक्शन है तो वो सॉरी अपोजिट डायरेक्शन है तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो सेम डायरेक्ट बात हो गई, अगर मैं वेस्ट टू ईस्ट को पॉजिटिव ले रही हूँ तो ईस्ट टू वेस्ट को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन हो गई अपोजिट। तो अब बीबी बोलो कितना है, -40, माइनस में ए कितना है 30, तो मतलब -70 meter per second उसकी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई बी की विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर हमें बोले वेलोसिटी ऑफ ए निकालो विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या कहेंगे, हमारे पास फॉर्मूला va minus vb, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, va minus vb, va क्या है आपके पास +30, माइनस बीबी कितना है -40, तो ये कितना हो जाएगा 30 minus minus plus 40, ये हमारे पास आ गया 70 meter per second। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया, ऐसी तरह की हमारे पास किसी भी दो चीजें दे देंगे और उसकी डायरेक्शन के बारे में पूछ लेंगे। अब नेगेटिव 70 आया तो हम लिखेंगे क्या, 70 meter per second वेलोसिटी है, नेगेटिव डायरेक्शन किसको दी थी, ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट, इसमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, +70, प्लस किसको दिया था, वेस्ट टू ईस्ट, तो अगर आप उल्टा देंगे तो आपकी डायरेक्शन उल्टी आ जाएगी, डजंट मैटर, ठीक है। अगर कोई बोले वेलोसिटी ऑफ बी निकालो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट कहते, तो आप लोगों को पता है अभी हम लोग ग्राउंड जो है वो आपके पास मोशन में नहीं है, मतलब उसकी जीरो है, तो वीबी माइनस वीजी हो जाएगी, वीजी क्या है, जीरो है, तो वीबी की वैल्यू हमने क्या लिया, -40 minus 0, मतलब आंसर आ जाएगा -40 meter per second। तो इस तरह से हमारे पास जो कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का वो फिनिश होता है। तो आप लोगों ने पूरी की पूरी वीडियो को जिस जिसने देखा है वो कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं।